हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द बी स्टडी स्टडी वर्ल्ड। स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का नया टॉपिक, जिसमें अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, खंड से समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको आप हिंदी में बोल देते हो क्या, खंड से समाकलन। खंड से इसका मतलब है कि बाई पार्ट्स करके अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि जब अपन को जब हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई मिलते हैं, जैसे कि आपके पास में मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, और इसका करना है आपके पास इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जब आपको इस तरीके का दिया और रखा होता है, तो इसमें से अपन क्या किया जाता है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के द्वारा सॉल्व किया जाता है। इसमें क्या है, आपको इन दोनों में से किसी एक को फर्स्ट और सेकंड मानना होगा, एक को फर्स्ट और एक को सेकंड। वो किस रूल से मानना होता है, उसके लिए बोला जाता है क्या, आईलेट। आईलेट एज ए शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा फॉर्म है आई फॉर, कन्वर्ट होता है आपके पास में क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें क्या आ जाता है आपके पास में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, मतलब जो भी इनवर्स फंक्शन होते हैं वो सारे किस्म आ जाते हैं इनवर्स। मतलब अगर मान लो इनवर्स फंक्शन है, तो उसको क्या मानोगे, फर्स्ट मानोगे। दूसरा आपके पास है एल, एल फॉर करता है आपके पास है लॉगरिथम फंक्शन। कौन सा फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ए आर आई, लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसको अपन बोल देते हैं क्या, लघुगणकीय फलन या फंक्शन। तीसरा है आपके पास है ए, ए फॉर होता है आपके पास है एलजेब्रिक, एलजेब्रिक फंक्शन। तीसरा क्या होता है आपके पास, एलजेब्रिक फंक्शन, जिसमें आपके पास में क्या आ जाते हैं, बीजगणितीय फंक्शन आ जाते हैं, बीजगणितीय फलन आ जाते हैं। कौन से, बीजगणितीय फलन, ठीक है। टी, टी फॉर हो जाता है आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको अपन बोलते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद में बोल देते हैं अपन ई, ई फॉर होता है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको बोला जाता है क्या, चर घातांकी फलन। चर घातांकी फलन, इन सभी फलनों में अगर ये इनको बोला जाता है, अगर ये सारे फंक्शन होते हैं। अब देखिए, इसमें एलजेब्रिक लॉग वाले में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर, ये सारी चीज बीजगणितीय फलन, मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर फोर, ठीक है, ये इस तरीके से आपको मिल जाए। त्रिकोणमिति में आपके पास में क्या है, साइन एक्स, कॉस एक्स, चरघातांकी मतलब ई की पावर एक्स,
तो ये सारे अगर फंक्शन मिलते हैं तो इनको सीरियली फर्स्ट माना जाता है। कैसे? अगर मान लो इनवर्स और लॉग है, इनवर्स फंक्शन है और लॉग फंक्शन है, तो किसको फर्स्ट मानोगे आप? इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट मानोगे। अगर लॉग फंक्शन है और एलजेब्रिक फंक्शन है तो किसको फर्स्ट मानोगे आप? लॉग फंक्शन को फर्स्ट मानोगे। यदि आप एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप फर्स्ट किसको मानोगे? एलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानोगे। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आप किसको फर्स्ट मानोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानोगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन क्या मानते हैं? फर्स्ट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आई लेट। मतलब आई इनवर्स वाला फंक्शन पहले आएगा तो उसको फर्स्ट मानोगे। अगर एल वाला फंक्शन है तो एल को फर्स्ट मानोगे। अगर ए वाला है तो ए को फर्स्ट, और एल टी वाला है तो टी को फर्स्ट। इसके सीरियल के अकॉर्डिंग ही अपन क्या मानते हैं? फर्स्ट मानते हैं। मतलब इसमें जो पहले आ रहा है वही फंक्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट माना जाएगा, और बाकी का दूसरा फंक्शन क्या माना जाएगा आपके पास? सेकेंड फंक्शन माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स किसके रेस्पेक्ट में आपके पास है? डी एक्स के रेस्पेक्ट। तो देखिए इसका सपोज दैट, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट और इसको मान लिया मैंने क्या? सेकंड। सपोज दैट ये अपने पास में क्या मान लिया? फर्स्ट, और इसको मान लिया मैंने सेकंड। तो इसका अपन डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं? तो देखिएगा क्या होता है आपके पास में। इसका एक फॉर्मूला है कि एफ एक्स मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो जी एक्स का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस, अब यहाँ पर ब्रैकेट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब डी अपॉन डी एक्स किसका? एफ एक्स का, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो जी एक्स का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी एक्स एंड होल का अगेन इंटीग्रेशन। इस होल का क्या करना है? अगेन इंटीग्रेशन करना। इसको अगर इस हिंदी में लिखा जाए, जैसे कि आपके पास में ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मान लिया मैंने प्रथम और इसको मान लिया मैंने द्वितीय, और ये डी एक्स, ठीक है? तो देखिएगा किस तरीके से बोलता है कि प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन, प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस, ठीक है, माइनस फर्स्ट का अवकलन, प्रथम का अवकलन मल्टीप्लाइड बाई द्वितीय का समाकलन इनटू दोनों का क्या हो जाएगा? समाकलन का समाकलन, ठीक है? अब यहां से याद रखिए, प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का अवकलन, फिर होल का समाकलन। तो ये क्या एक तरीके से फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का अपन यूज करते हैं क्या क्या करने में? दो जब आपके पास में फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उन दोनों का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने में अपन कौन से वाले का यूज करते हैं? इन दोनों फंक्शनों का अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। इन दोनों का फॉर्मूले का अपन यूज करते हैं फाइंडिंग द क्या? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन समाकलन फाइंड आउट करने में अपन इन दोनों फंक्शनों का क्या करते थे? अपन यूज करते हैं, ठीक है? अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन, उससे और अपन क्लियर हो जाएगा और उससे अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा अपने पास में एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि क्या है। देखो क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स विद रेस्पेक्ट टू द किसके? डी एक्स के रेस्पेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो अब देखिए इसमें दो फंक्शन हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया। अब फर्स्ट किसको मानोगे? आई लेट को, आई लेट के अनुसार। तो
आई का मतलब इनवर्स फंक्शन है क्या? नहीं है। एल का मतलब लॉग फंक्शन है, तो लॉग वाले को क्या मान लोगे फर्स्ट और दूसरे वाले को क्या मान लोगे आप सेकेंड। ठीक है, तो वही फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था कि जब आपके पास में फंक्शन एफ एक्स कॉमा जी एक्स और डी एक्स इसका होता है, तो ये क्या होता है आपके पास फर्स्ट, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट, इसको मान लिया मैंने सेकेंड, तो क्या है आपके पास में एफ एक्स फर्स्ट को कॉन्स्टेंट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन डी अपॉन डी एक्स किसका एफ एक्स का मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर होल का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, इस वाले फॉर्म में रख दो। तो ये क्या आपके पास में फर्स्ट, ये क्या मान लो सेकेंड, तो फर्स्ट की जगह फर्स्ट रख दो, मतलब एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स ही वाले रख दो, तो रखो लो फर्स्ट को एज इट इज, तो लॉग एक्स को लॉग एक्स ही रहने दो, सेकेंड का इंटीग्रेशन सेकेंड का है आपके पास में एक्स स्क्वायर, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस और क्या करना है फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट का आपके पास लॉग एक्स कर दो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन तो डी अपॉन डी एक्स किसका लॉग एक्स का, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल का क्या करना है आपको उनको इंटीग्रेशन करना है, करो आप, तो लॉग एक्स एज इट इज, लॉग एक्स क्या रहेगा एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस, यहाँ से देखिए फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन का साइन तो लगा ही रहेगा, डी अपॉन डी एक्स किसका लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का क्या होता है आपके पास वन अपॉन एक्स, और सेकेंड का इंटीग्रेशन तो सेकेंड क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, और फिर अगेन इसका क्या करना है आपके पास इंटीग्रेशन करना है, तो इसका कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास लॉग एक्स तो ये रहा और इसी के मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस, अब यहाँ से देखिएगा एक पावर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया आपके पास में वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर, वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो अब इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा आपके पास में क्या लॉग एक्स और इसी के मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस, वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट है, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, ठीक है, और प्लस का क्या लगा दें अपन लास्ट में सी, तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास में क्या हो जाएगा वन बाई थ्री दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, तो वन बाई थ्री कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मिल गया आपके पास में क्या है एक्स क्यू लॉग एक्स माइनस, यहाँ से फिर अब अगेन बन जाएगा आपके पास एक्स क्यू वाई थ्री एक्स क्यू वाई थ्री और प्लस के आ जाएगा आपके पास में क्या सी, और यही क्या हो जाता है आपके पास में आंसर हो जाता है। लेने को तो यहाँ पर अपन एक्स क्यू भी कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स क्यू भी कॉमन ले लोगा तो ये बन जाएगा आपके पास में क्या एक्स क्यू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई में लॉग एक्स माइनस के वन बाई थ्री प्लस के सी, प्लस के क्या हो जाएगा सी, तो इस तरीके से अपने क्या हो जाता है आपके पास में इसको ये सी है उसको बाद में रखिएगा, इसको अपन क्या रख लेंगे बाद में, क्योंकि ये वन बाई थ्री मल्टीप्लाइड में ओनली इसी के साथ है, ठीक है, ये किसके साथ में ओनली इसी के साथ मल्टीप्लाइड, तो यहाँ से आपके पास में ये क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से क्या कर देते हैं अपन किसी भी जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से इंटीग्रेशन किया जाता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास में टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स
साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स और ये डी एक्स। मतलब अब यहाँ पर बताइए आई लेट के आंसर, आई आई इनवर्स फंक्शन है नहीं है, लॉग फंक्शन है नहीं है, ए एलजेब्रिक फंक्शन है। तो एलजेब्रिक कौन सा है आपके पास में, एक्स स्क्वायर वो सॉरी एक्स, इसको क्या मान लोगे आप फर्स्ट, इसको क्या मान लोगे आप सेकेंड, इसको क्या मान लोगे आप फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे अपन सेकेंड। तो मानो करो फॉर्मूला अपन ऊपर से ही देख लेंगे, क्या कहता है फर्स्ट, फर्स्ट को कॉन्स्टेंट, तो फर्स्ट क्या है आपके पास एक्स और सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स होल का इंटीग्रेशन डी एक्स। तो इसका करो ये क्या हो जाएगा एक्स कॉन्स्टेंट वो सॉरी एक्स तो एक्स ही रहेगा, साइन एक्स का क्या हो जाता है आपके पास माइनस के कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाता है आपके पास इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स माइनस, ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन वन और साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस के कॉस एक्स और इसका अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है अगेन इंटीग्रेशन। इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास में कीजिएगा सॉल्व, तो देखिएगा यहाँ से आपके पास माइनस के एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन का मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी ये क्या रहेगा माइनस रहेगा, तो माइनस को मैं इसके साथ ले लूँ ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, मतलब कॉस एक्स का क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में क्या माइनस के एक्स कॉस एक्स प्लस, और कॉस एक्स का क्या होता है आपके पास इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास में सी। तो ये इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, जब दो फंक्शन अपने पास किस में होते हैं मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनको फर्स्ट एंड सेकंड रूल से अपन क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो उनको भी अपन को सॉल्व करना है, तो देखिएगा मैं अब आपको होमवर्क दे देता हूँ तो उनको सॉल्व कीजिएगा, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है इसको दोबारा बता दीजिए या इसको सॉल्व करवा दीजिएगा, तो वो देखिएगा अपने पास में क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर वन, एक है आपके पास में क्या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है एक है आपके पास क्वेश्चन नंबर टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, ये क्या आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू लॉग एक्स, एक्स क्यू लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है ये क्या आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ फोर ई की पावर एक्स कॉमा लॉग एक्स और जी डी एक्स, तो इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके बताना है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप क्या करोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ये सॉल्व होंगे किससे फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड किससे वाले रूल से मानोगे आप आई लेट से, आई का मतलब क्या होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉग फंक्शन और ई का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है इनवर्स मतलब इनवर्स मतलब ठीक है इनवर्स फंक्शन और जिसको बोला जाता है आपके पास में क्या ठीक है उसके बाद में आपके पास में इनवर्स को बोला जाता है क्या प्रतिलोम फंक्शन, ठीक है प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये सारी चीज़ें इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, अगर हैवी एनी प्रॉब्लम देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस थैंक यू, और नेक्स्ट आपके नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे
और बट देखते रहिए BS 30 स्टडी वर्ल्ड, स्टडी वर्ल्ड देखते रहो, और जितना हो सकता है उतना लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। जितना हो सकता है वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट भी करो। ठीक है, थैंक यू।